कैसे हम कुपोषण का शिकार ना हो, तो सबसे पहले हम गर्भवती स्त्री से हम बात करते हैं। वो माताएं जो बच्चे जन्मने वाली हैं, जो 9 महीना तक अपने गर्भ में बच्चों को पाल रही हैं, उनका थाली का भोजन कैसा हो? उनका थाली में तरह तरह का भोजन हो, ऐसा भोजन हो तरह तरह का, मीट मछली मांस अंडा साग सब्जी सब कुछ हो, तब क्या होगा? जो बच्चे होंगे वो स्वस्थ पैदा लेंगे। बच्चे क्या पैदा लेंगे? स्वस्थ। उसके बाद जो है, जब वो जन्म लेंगे बच्चे, तो माताएं स्तनपान कराएंगी, और उस स्तनपान में जो पहला दूध होगा माँ का, जो पीला पीला निकलता है, वो पीला पीला दूध का सेवन बच्चों को अवश्य कराएं, ताकि उससे क्या होगा, उसके उस बच्चों का शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता आजीवन बढ़ेगी। जैसे घातक बीमारी कैंसर वगैरह होता है ना, उससे वो बच जाएंगे, वो बच्चे उससे बच जाएंगे। इसलिए पीला पीला जो दूध है उसको अवश्य पिलाएं। फिर 6 महीने के जब बच्चे हो जाएंगे, तो फिर उसको लिक्विड जो है अलग से उसको दे, मधुमेह जो भी है। फिर 8 महीने के हो जाएंगे, तो ठोस पदार्थ कुछ कुछ उसको देना शुरू करें। इससे क्या होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमारे विद्यालय में बच्चों को दिया जा रहा है दूध, तरह तरह के बदल बदल का भोजन दिया जा रहा है ना। यस मैम। आज अंडा वाला आ रहा है, फल वाला या ये क्या बोलते हैं, खिचड़ी, तो सोयाबीन, मतलब अलग अलग तरह का भोजन मिल रहा है। तो अलग अलग तरह से भोजन करने पर भी हम कुपोषित नहीं होंगे, हम कुपोषित नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, साफ सफाई अपनाना है। भोजन से पहले जो है साफ सुथरा हाथ धोना है, समझ रहे हैं ना। जितना हम साफ सुथरा रहेंगे, उतना जो है बीमारी से लड़ेंगे, और बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। किडनी का दवाई खाना, किडनी का दवाई खाने से क्या होगा, किडनी की दवाई खाने से क्या होगा, खून जो है, जो शरीर में जो खून बनता है, वो किडनी पी लेता है ना, वो सुनो वो जो है किडनी खून पीता है तो शरीर कमजोर होता है। इसीलिए 6 महीने पर हम किडनी का दवाई अवश्य खाएं, समझ रहे हैं ना। और साफ सुथरा रहे, 6 महीने पर किडनी का दवाई खाएं। इसके अलावा क्या करना है, बहुत ऐसा चीज है जिससे हम बच सकते हैं, साफ पानी का सेवन करें। पानी कैसा हो, जैसे कि बरसात, साफ पानी का सेवन करें, स्वच्छ पानी का सेवन करें, इससे भी हम कुपोषण से बच सकते हैं। और विद्यालय में जो फॉलिक एसिड की दवाई आ रही है, फॉलिक एसिड टैबलेट, उसका 7 दिन पर जो आ रही है उसका हम सेवन करें, ये नहीं कि ये क्या है नहीं, तो उससे भी हम उससे क्या बोलते हैं, कुपोषण से बच सकते हैं। सही पोषण हमारे शरीर में होगा, खास करके हम लड़कियों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कारण है कि हम जननी है ना, क्योंकि हमको आगे चल के अपने बच्चों को जन्म देना है, तो फिर हम स्वस्थ बच्चा जन्म देंगे, तब ना हम देश को स्वस्थ बना पाएंगे, तब ना हम देश को स्वस्थ बनाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हम बच्चों को, खास करके लड़कियों, ऐसे सबको, लड़कों को भी, बिल्कुल लड़कों को भी, उनको भी स्वस्थ रहना है। लड़कियों को ऐसा होता है कि घर में क्या करती है, गार्जियन क्या करता है, चलो लड़का है तो लड़का के थाली में ज्यादा भोजन दो, और लड़की के थाली, लड़की है तो लड़की के थाली में कम भोजन दो। माँ क्या करती है, बाद में बच्चा खुजा भोजन खाती है, सबसे बाद में, तो बच्चा खुजा भोजन नहीं खाना है। माँ को भी कहना है कि मम्मी तू बच्चा खुजा भोजन मत खा, तुमको पूरा भोजन खाना थाली भर के। और जो भेदभाव होता है घर में लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ नहीं होना चाहिए, लड़की को भी उतना ही भोजन दे जितना कि हम लड़का को भोजन देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी लड़कियां स्वस्थ रहेंगी ना, हमारी लड़कियां स्वस्थ रहेंगी, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। सही पोषण देश रोशन, सही पोषण देश रोशन। तो यही तो सबके साथ जो है पोषण के बारे में जो जानकारी दी, कैसा लगा?